Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Institute and Marine Engineering Lectures. Today we will going to discuss about the compressor part, and our question is why multi-stage compressor is needed in onboard ship. This question is always asked, mostly asked and frequently asked by a surveyor in MMD orals. तो आज हम बात करेंगे multi-stage compressors क्यों use होती है onboard ships में, इसकी purposes क्या है, इसकी applications क्या है, इसकी advantages क्या है. तो इस lecture में हम इसे theoretical way से भी समझेंगे, प्रैक्टिकल वे से भी समझेंगे, ग्राफिकल वे से भी समझेंगे, एंड एट लास्ट मैं आपको मैथमेटिकल वे से भी समझाऊंगा कैसे हमारी मल्टी स्टेज कंप्रेसर इफेक्टिव होती है कंप्रेसर्स के लिए. तो सबसे पहले हम ग्राफिकल थियोरिटिकल वे की अगर हम बात करें, तो सपोज ये हमारी कंप्रेसर्स कर्व है, मल्टी स्टेज कंप्रेसर है. लेट्स एज्यूम ये हमारी फोर स्टेज कंप्रेसर्स है. ये मैंने एज्यूम किया ये हमारी फोर स्टेज मल्टी स्टेज कंप्रेसर है. तो ये जो मैंने रेफरेंस लाइन बनाया है ये हमारी एटमॉस्फेरिक लाइन है, और ये मैंने जो कर्व बनाया है ये हमारी आइसोथर्मल कर्व है. आइसोथर्मल कर्व मैं आपको जब बताऊंगा आगे की लेक्चर्स में तो आपको समझ आएगी. सपोज हमारी यहाँ पर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अब हमारी इंजन्स में या डिफरेंट डिफरेंट सर्विस एयर सर्विस सिस्टम्स में हमें एयर यूज होती है शिप्स में. लाइक अगर एयर स्टार्टिंग के लिए हमें 30 बार एयर प्रेशर होनी चाहिए, फिर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू हम 7 बार एयर प्रेशर अचीव करते हैं. उसके बाद हमारे डिफरेंट पर्पजेस के लिए एयर यूज होती है. तो सपोज तो ये हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंप्रेसर का काम क्या होता है, बूस्ट अप करना, प्रेशर इंक्रीज करना. तो सपोज हम लोगों ने प्रेशर यहाँ इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ मीन्स टेम्परेचर भी उसकी इंक्रीज होगी. तो ये हमारी टेम्परेचर T2 है. अब हम क्या करते हैं, जो जहां हम लोगों ने टेम्परेचर T2 अचीव किया है, तो जो ये हमारी कंप्रेशन कर्व है, ये जो मैंने अभी T2 लाइन बनाई है हमारी कंप्रेशन कर्व है, और ये हमारी आइसोथर्मल कर्व है जो ये मैंने बनाया है. तब क्या होगा, जो भी हमारी T2 जो टेम्परेचर अचीव किया है वो हम लोगों ने आइसोथर्मल अप्रोच करेंगे, आइसोथर्मल कर्व की टुवर्ड्स अप्रोच करेंगे. तो ये हमारी T1 होगी. मीन्स व्हाट, कंप्रेशन कर्व अप्रोच टुवर्ड्स आइसोथर्मल कर्व. ओके नाउ तो ये हमारी T2 हो गई. अब हम क्या करेंगे, फर्दर कंप्रेसर को कंप्रेस्ड करेंगे, एयर को कंप्रेस्ड करेंगे. तो हमारी जो थी ये हमारी क्या थी, फर्स्ट स्टेज थी. अब सेकेंड स्टेज में फर्दर एयर कंप्रेस्ड होगी. तो अब एम्बियंट टेम्परेचर T2 कुछ टेम्परेचर्स थी, T1 हमारी एम्बियंट टेम्परेचर है, और इसे हम आइसोथर्मल कर्व कहते हैं. तब हमारी अगेन कुछ एयर कंप्रेस्ड होगी. ओके तो अगेन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो हमारी T3 हो गई. अगेन हम आइसोथर्मल कंप्रेसर्स को अप्रोच करेंगे, सेम फंडा हमारी, ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड स्टेज हो गई. अगेन हम सेम क्राइटेरिया करेंगे, अगेन T4 टेम्परेचर राइज होगा, अगेन हम आइसोथर्मल कर्व या मीन्स एम्बियंट टेम्परेचर अचीव करेंगे, और ये हमारी थर्ड स्टेज हो गई. अगेन सेम क्राइटेरिया होगी, ये हमारी T5 होगी, और ये हमारी T1 होगी, एंड अगेन हम आइसोथर्मल कर्व अप्रोच करेंगे. ये हमारी फोर स्टेज कंप्रेसर्स हो गए. अब इसकी अगर हम बात करें तो ये क्यों यूज में लाते हैं. अब इस ग्राफिकल वे के थ्रू हम अब थ्योरिटिकल वे समझेंगे. जो मैंने ग्राफ बनाया अभी, इसकी थ्योरी हम ग्राफ में मैं एक्सप्लेन करूंगा, और एडवांटेज भी उसी में कवर हो जाएगी. सबसे पहला आप पॉइंट देख सकते हो, जो T2 है मैंने T1 अचीव किया, मींस जो हमारी कंप्रेशन जो है वो हमने आइसोथर्मल कर्व अप्रोच किया, मींस कंप्रेशन कर्व चेंजेज इनटू आइसोथर्मल कर्व. तो यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मींस जो भी कंप्रेसर्स की जो मैकेनिकल्स फेलियर जो होती थी वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण बहुत सारी मैकेनिकल फेलियर्स होती है, तो हमारी रिड्यूस हो जाएगी. एंड सेकेंड थिंग विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू टेम्परेचर, सपोज अगर ये मैंने सिंगल स्टेज कंप्रेसर रखा होता और हमें टेम्परेचर सपोज इंक्रीज करना होता 450 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें प्रेशर अचीव करना है 30 बार. ओके तो प्रेशर 30 बार अचीव करने के लिए हमें टेम्परेचर जो होगा हमें 450 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना है. सपोज ये सिंगल स्टेज कंप्रेसर होता तो यहाँ पर आइसोथर्मल कर्व नहीं होती, हमारी कर्व के थ्रू हम डायरेक्ट 450 डिग्री सेल्सियस अचीव करते हैं. तो इससे हमारा क्या होता, तो इससे हमारा जो भी कंप्रेसर्स में जो हमारी लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है, जो क्रैंकेस में हमारी लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो मिस्ट फॉर्म में या वेपोराइज फॉर्म में आ जाती है, और उसके बाद वो एयर के साथ कंबाइन होती है और मिस्ट फॉर्मेशन होती है, जिससे क्रैंकेस एक्सप्लोजन होने की चांस बढ़ जाती है. तो हमारी एज पर सेफ्टी के लिए भी हम कंप्रेसर्स मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज करते हैं, क्योंकि हमारे ये प्रिवेंट करती है हमारी क्रैंकेस एक्सप्लोजन. तो हमारी
सेकेंड एडवांटेजेस थी। अब हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में बोल सकता हूं हमारी यह है, वर्क डन इन कंप्रेसिंग द एयर इज रिड्यूस्ड, दस पावर कैन बी सेव्ड। तो इसकी मतलब क्या है, ये आप देख सकते हो। अगर इस ये जो हमारी कंप्रेशन थी, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, सपोज ये मैंने जो रेड डॉट से दिया, ये मैंने एक्सटेंड किया, और ये मैंने जो सेडेड किया रेड कलर से, इतना जो वर्क जो हुआ है हमारा वो सेव्ड हुआ है। मीन्स जो एयर को कंप्रेस्ड करने के लिए कंप्रेसर को कुछ वर्क डन करनी पड़ती है, तो ये जो सेडेड पार्ट जो आप देख रहे हैं, तो इतना वर्क हमारा सेव्ड हुआ है, मीन्स हमारी पावर इससे इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारी थर्ड पॉइंट है। अगर हमारी सिंगल स्टेज कंप्रेसर्स होती तो हमें वर्क मोर लगता है, सिंगल स्टेज कंप्रेसर्स ज्यादा वर्क लगती है हमें कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड करने में, बट मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स में कुछ वर्क जो होती है वो हमारी सेव होती है। तो ये हमारी नेक्स्ट पॉइंट थी। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, तो हम ईच स्टेज में हम इसे आइसोथर्मल कर्व अप्रोच कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम ईच स्टेज में ड्रेन आउट भी कुछ करेंगे। मींस मॉइस्चर, जो एयर में जो मॉइस्चर पार्टिकल्स होंगे, हम ईच स्टेज में इफेक्टिवली ड्रेन कर सकते हैं। ओके, तो हमारी जो मॉइस्चर पार्टिकल्स जो है वो हमारी जो भी जहां भी हम एयर सप्लाई कर रहे हैं इंजिन में, तो वो हमारी नहीं जाएगी, और इससे इंजन की इफिशियंसी भी इंक्रीज होगी, एंड ऑपरेटिंग इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर्स भी हमारी इंक्रीज होगी। तो ये हमारी बोल सकते हैं थ्योरिटिकल एज वेल एज हमारा ग्राफिकल अप्रोच था। अब हम बात करें इसकी न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल वे से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारी मल्टी स्टेज कंप्रेसर जो होती है वो इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज कंप्रेसर्स। तो अगर हम मैथमेटिकल वे से अगर हम बात करें, तो हमारी जो प्रेशर्स होती है, सपोज हमारी P1 जो प्रेशर्स होती है वो हमारी 1 bar पे होती है। अब हमें इसे 30 bar तक हमारे प्रेशर इंक्रीज करना है, तो हमारी यहाँ P2 जो होती है 30 bar है। ओके, और जो एम्बियंट जो टेम्परेचर्स होती है वो हमारी T1 है। इस पोजिशन पर बात कर रहे हैं, इस पोजिशन पे मैंने P1 और T लिया है। ओके, तो जो T1 जो होगी हमारी 27 degree Celsius होगी। अगर इसे हम केल्विन में चेंज करें तो ये हमारी 300 केल्विन होगी। ओके, और सपोज अगर हम कंसिडर करते हैं हमारी सिंगल स्टेज कंप्रेसर, व्हाई आई कंसिडर सिंगल स्टेज कंप्रेसर, बिकॉज माय क्वेश्चन इटसेल्फ व्हाई मल्टी स्टेज कंप्रेसर इज नीडेड ऑन बोर्ड शिप। तो नाउ अगर हम थर्मोडायनेमिक्स लॉ से अगर हम बात करें, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस अगर की हम बात करें, तो हमारी जो T1 by T2 इज इक्वल टू P1 by P2 होल पावर एन माइनस वन बाय एन। एन जो हमारी होती है वो पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होती है, लेट एन इज इक्वल टू हमारी 1.35 हम कंसिडर करते हैं, जनरली इसकी वैल्यू लगभग यही होती है। तो हमारी है, तो इससे हमें T2 फाइंड करनी है। अगर हम इसे डायरेक्टली फाइंड करेंगे, जो हमारी T1 है 300 केल्विन बाय T2 इज इक्वल टू 1 by 30 1.3.35 by 1.35। तो ये जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो हमारी T2 जो आएगी 450 डिग्री सेल्सियस आएगी। अगेन हमारी सेम पॉइंट यहाँ आती है जो मैंने एक्सप्लेन किया था, जो 450 डिग्री सेल्सियस है वो इनफ है जो भी कंप्रेसर्स में ल्यूब ऑयल्स है उसको मिस्ट फॉर्मेशंस में कन्वर्ट करने के लिए, वेपराइज करने के लिए, एंड हमारा हेंस क्रैंकेस एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस विच इज वेरी हजार्डस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग इफिशियंसी एंड सेफ्टी टू। तो हमारी मैंने आपको मैथमेटिकल वे से भी समझाया कैसे हमारी मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स इफिशियंट है। तो ये हमारी आज की टॉपिक थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक पे डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।